हिमाचल प्रदेश के शिमला के पंचायत भवन में बीजेपी की संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बीजेपी जिला अध्यक्ष रवि मेहता ने की। इस बैठक में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हर घर तिरंगा से संबंधित अभियान पर चर्चा और रणनीति तैयार की गई। कार्यक्रम के जरिए प्रदेश सरकार हिमाचल की अब तक की उपलब्धियों को जनता तक लेकर जाएगी। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत हर घर तिरंगा के नाम से एक अभियान चलाएंगे। यह एक सरकारी कार्यक्रम होगा, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता अग्रणी भूमिका निभाएंगे। जिला की विशेष बैठक, उसमें तीनों विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्ताओं को आज बुलाया गया, विशेष रूप से दो कार्यक्रमों के लिए। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर पूरे भारतवर्ष में अमृत महोत्सव मनाया गया। 15 अगस्त को हर घर पर तिरंगा लगे, प्रशासनिक दृष्टि से भी जितनी हमारी सरकारी बिल्डिंग है, कर्मचारी अधिकारी उनके घर पे भी, जितने हमारे बैंक है उन बैंकों पे भी, और जो आम व्यक्ति है देश का, प्रदेश का, उसके घर पे भी तिरंगा झंडा लगे, प्रभात फेरी हो। क्योंकि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो दिन प्रतिदिन इतिहास को भूल रही है। स्वतंत्रता संग्राम में किन किन लोगों का योगदान है, किन लोगों ने अपने बलिदान दिए, कौन शहीद है, उनकी हिस्ट्री वो जानते हैं। इसलिए हमें आजादी कैसे मिली, कौन से ऐसे परवाने थे जिन्होंने हंसते हंसते जो है फांसी का फंदा चूमा, ये सारा इतिहास जो हमारा है, हमारी युवा पीढ़ी को पता होना